यात्रा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं नेताओं के शामिल होने की बात भी उन्होंने कही कि बीजेपी पर ध्यान लगाया गया। वहीं भटकाने का आरोप भी बीजेपी पर उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि कभी टी शर्ट तो कभी जूतों की बात करेंगे, लेकिन मोदी जी के शूट की बात नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं नेताओं के शामिल होने की बात उन्होंने कही है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बैठक की बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी टी शर्ट तो कभी जूतों पर आती है बीजेपी, लेकिन मोदी जी के शूट की बात नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मानस भवन में कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल बैठक में मौजूद है। वहीं जेपी अग्रवाल ने कहा कि जय जय कांग्रेस के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ता जय जय कमलनाथ के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि जेपी अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार गिरती नहीं। जिन लोगों को जयचंद कहा जाता है उनकी वजह से सरकार गिरी। हर पार्टी के सामने चुनौतियां आती है। मैं सैकड़ों पर जिंदा कांग्रेस देखना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक एक से मिलूंगा। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। कांग्रेस कमेटी ने चुने हुए डेलीगेट्स की आज बैठक आयोजित की थी मानस भवन में भोपाल में। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जेपी अग्रवाल साहब, जो नव नियुक्त प्रभारी हैं कांग्रेस के। सर, क्या बैठक में निर्णय लिए गए और क्या नया करने वाली 2023 की? देखिए, आज जो हमारे नए मेंबर बने हैं वो सब इकट्ठा हुए थे। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि जो यहाँ गठन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो कांग्रेस अध्यक्ष पे छोड़ दें। और दूसरा, यहाँ क्योंकि सब लोग आए हुए थे तो उनके लिए उनसे बात करना ज़रूरी था, तो वो उनके साथ बात की कि 2023 की हमें लड़ाई करनी है, उसके लिए काम करेंगे। आपने कहा सड़कों पर उतरना जरूरी है कांग्रेसियों को, जब सड़कों पर उतरेंगे तभी भय पैदा होगा। हाँ, हमारा आज़ादी की लड़ाई में सड़कों पर उतरे, अंग्रेजों का मुकाबला करा है, अब तो कुछ भी नहीं है। इनसे लड़ाई तो बड़ी अच्छी लड़ेंगे। सर, एक बात और यहाँ पर आई, जब नारे लगाए जा रहे थे जय जय कमलनाथ के, आपने कहा कि कांग्रेस के नारे लगाएं, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाएं, इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है? ना, कमलनाथ जी कांग्रेस ही नहीं है। अरे बाबा, हमारे नेता रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ जी को अलग चीज नहीं है भाई। ऐसा नहीं, बात तो आप घर घर जा रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं लोगों से, एक एक कार्यकर्ता से मिलने की बात कही आपने। जी हाँ, यही काम है मेरा कि मैं लोगों के दिल को पहचान सकूं और जो भी मैं कर सकता हूं उनके लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपने क्या क्या रूपरेखा खींची 2023 के लिए? तो नहीं होगा सर, समय लगेगा। तो समय लगेगा 2023 के लिए। जो प्रभारी हैं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि बिसन 2023 के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। आज डेलीगेट्स की मीटिंग हुई थी, उसमें कई निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और अब कांग्रेस सड़क पर उतर कर बीजेपी का सामना करेगी। कैमरामैन गणेश तिवारी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।